जावास्क्रिप्ट की एक बहुत बड़ी ताकत है डीस्ट्रक्चरिंग, और डीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ स्प्रेड ऑपरेटर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों को बताएगा कि ये चीज़ किस तरह से यूज़ की जाएगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग डीस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रैपल बना ली है, बट अभी रिसेंटली रैपलेट का एक इतना बढ़िया फीचर आया जिसने कि मेरा दिल जो है जीत लिया है। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या है कि एक हिस्ट्री बटन यहाँ पर होगा, रैपलेट वाले कह रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जब स्लाइडर को चलाएंगे तब यहाँ पर आपकी जो फाइल की हिस्ट्री है वो, जैसे कि मैं जैसे जैसे एडिट करता जा रहा हूँ मेरे फाइल की जो है हिस्ट्री मैं देख पाऊँगा। आप मैं कभी भी पीछे जा सकता हूँ हिस्ट्री में, अगर मैंने कोई भी गड़बड़ कर दी अपनी फाइल में। तो ऑसम यार, आई एम एक्साइटेड, बट उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ डीस्ट्रक्चरिंग को लेके। तो डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज़ यूज टू अनपैक वैल्यूज फ्रॉम एन अरे और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स में अगर आप अनपैक करना चाहते हैं कुछ वेरिएबल्स को तो आप कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, लेट मी टेल यू। आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भाई लेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक ए आर आर। अब ये ए आर आर क्या होगा, मान लो ये ए आर आर है 3.5। तो अगर आप लोग को ए को 3 करना है, बी को 5 करना है, तो आप इस सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हो। वाई इज इट यूजफुल, क्योंकि यार ट्रेडिशनली अगर आपको ये चीज़ करनी होती तो आप खुद ही सोचो ऐसे करते कि नहीं करते। आप कहते यार लेट बी इज इक्वल टू ए आर आर 1, करते ऐसे कि नहीं करते, करते, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो नीड टू डू दिस, और आप जो है कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख दूँ ए कॉमा बी, तो मुझे 3.5 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है ए बी इज इक्वल टू ए आर आर कर दिया है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको नई टैब में खोल के आप लोग को दिखाता हूँ। इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कंसोल खोलता हूँ अपना, और आप देखो 3.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 3.5 यहाँ पर आ चुका है। अब अगर यहाँ पर 3.5 के साथ 8 भी होता तब ए और बी की वैल्यू क्या होती, 3.5 होती है या 5.8 होती है, ये एक सवाल है। तो 3.5 ही होती ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सी भी लगा दूँ ना, एक यहाँ पर सी भी लगा दूँ ना, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए आर आर, तब सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं इसको रीलोड करूँगा अगर, तो 3.5 और 8 आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर मान लो डी करता हूँ, ए बी सी और डी करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ, यानी कि मैंने ए बी और सी और डी कर दिया, तो इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगी। बट अगर मान लो मैं यहाँ पर 9.12.13 या फिर 14 करता हूँ, तब इन चार वैल्यूज़ को ले लेगा ए बी सी और डी। ठीक है, और बाकी 12 और 14 को इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब 12 और 14 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हो सकती हैं, कम वैल्यूज़ लेकिन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारी होती है वो डीस्ट्रक्चरिंग होती है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 3 डॉट लगाकर रेस्ट लिख सकता हूँ कि बाकी बचे हुए जो हैं, और इसके बाद मैं रेस्ट यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। और मैं अगर ऐसा करूँगा तो आप लोग देखो कि 3, 5, 8 और 9 आ गए और रेस्ट जो थे वो एरे में आ गए, यानी कि जितने बचे हुए एलिमेंट्स थे वो कहाँ पर आ गए, वो एक एरे में आ गए, और यही डीस्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, ये एक सिंटेक्स हो गया हमारा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यार 3 मेरा ए में आ जाए। ठीक है, देखते जाओ आप लोग, 3 मेरा ए में आ जाए। मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसको ज़रा रेप्लिकेट कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग को जो है दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता आपको दिक्कत हो, दिक्कत इन द सेंस यार कि मतलब कोड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। मैं एक काम करता हूँ, कमेंट करता जाता हूँ और नई नई चीज़ें आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू हो जाए 3, ठीक है, और रेस्ट की वैल्यू 9 से शुरू हो। ठीक है, समझ लो, रेस्ट की वैल्यू कहाँ से शुरू हो, 9 से शुरू हो, जो रेस्ट वाला एरे है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, बी को खाली कर दूँगा, सी को खाली कर दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 9 से शुरू हो, और मैं यहाँ पर रेस्ट कर दूँगा इस तरह से। ठीक है, और मैं कह दूँगा रेस्ट इज इक्वल टू ए आर आर। तो ए के अंदर तो 3 आ जाएगा, 5 किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं होगा, 8 किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं होगा, फिर इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ए आर आर में आ जाएंगे। तो अगर मैं सॉरी रेस्ट में आ जाएंगे, तो मैं अभी अगर रेस्ट को प्रिंट करूँ, एक और रेस्ट को प्रिंट करूँ, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 और 9, 12 और 14। ठीक है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को 3 और 9, 12, 14। तो इस तरह से जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप यहाँ पर एलिमेंट्स को गायब करके
मतलब जैसे कि भी मैंने दिखाया आपको ए कॉमा कॉमा कर सकते हो, अब यहाँ चाहते तो बी भी कर सकते थे, तो क्या होता, बी में आर्ट आता, यू गेस्ट इट राइट। तो अगर मैं बी को प्रिंट करूँ तो क्या होगा कि बी में आर्ट आ जाएगा। आप देखना यहाँ पर मैंने बी को प्रिंट नहीं किया, क्या मैंने किया यार, सेव नहीं हुआ होगा। तीन आर्ट और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। तो काफ़ी बढ़िया सिंटेक्स है, सिंटैक्टिक शुगर है, मज़ा आता है यार, ठीक है, मज़ा आता है। तो ये है हमारा डी स्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज यूज टू अनपैक वैल्यूज फ्रॉम एन अरे और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। लेट एक्स वाई इज इक्वल टू 720, एक्स में 7 आएगा, वाई में 20 आएगा। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट था। एक्स विल बी असाइन 7, वाई 20। 10x और डॉट डॉट रेस्ट करोगे आप तो 10 तो यहाँ पर है, देखो 10 मैच हो गए, तो एक्स में 80 आ जाएगा और रेस्ट में जो है 7, 11, 21 और 88 आ जाएगा। 7, 11, 21 और 88, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट। अगर आप कुछ इस तरह से करो कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और आप ए कॉमा बी इज इक्वल टू ओ बी जे करो, तो ये एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, ए कॉमा बी इज इक्वल टू मैं ऐसे कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कर दो 5, ठीक है। तो अगर मैं ए कॉमा बी करूँ कंसोल लॉग, तब आप लोग यहाँ पर देखना कि क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू इज़ नॉट आइटरेबल। उप्स, मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कर दिया, मुझे कॉमा हटा देना चाहिए था। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा सेव करने के बाद, तो क्या दिक्कत आ रही है, अरे यार मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है यहाँ पर ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ए में आ जाएगा मेरा 1 और बी में आ जाएगा मेरा क्या, बी में आ जाएगा 5। एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ, ए में 1 बी में 5, ठीक है। तो इस तरह से जो है डी स्ट्रक्चरिंग काम करती है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके मिसलेनियस हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग दिमाग में रखना कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं जो अभी मैंने किया उसका, ठीक है। तो स्प्रेड सिंटेक्स की अब बात करते हैं। स्प्रेड सिंटेक्स अलाउज एन इटरेबल सच एज एन एरे और स्ट्रिंग टू बी एक्सपेंडेड इन प्लेसेस वेयर 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। बट उससे भी पहले मैं आप लोग को MDN डॉक्स दिखाना चाहता हूँ डी स्ट्रक्चरिंग की, ठीक है। तो आप डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट की MDN डॉक्स ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिंटेक्स और लिखा हुआ है मिसलेनियस वाला। बट दिस इज समथिंग जो मैंने बताया है, इज समथिंग दैट यू कैन यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्प्रेड की बात करते हैं। स्प्रेड सिंटेक्स क्या करता है? स्प्रेड सिंटेक्स कुछ नहीं करता, एक एरे है और आप चाहते हो उसका ऑब्जेक्ट बनाना, तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। इन एन ऑब्जेक्ट लिटरल स्प्रेड सिंटेक्स इनुमरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एड्स अ की वैल्यू पेयर्स टू द ऑब्जेक्ट्स बीइंग क्रिएटेड। बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो यार, ये तो हमारा डिस्ट्रक्चरिंग है। मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर की बात कर लेता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, मान लो ये मेरा एक एरे है, ठीक है। लेट ARR इज इक्वल टू ये, ठीक है, या ARR1 इज इक्वल टू कर देते हैं इसको, और मैं चाहता हूँ कि इस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कहूँगा भाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ARRR, ठीक है। तो मैं कहूँगा लेट OBJ1 इज इक्वल टू ARRR1। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट कर दूँ। तो जैसे ही मैं console.log OBJ1 प्रिंट करूँगा, मैं ये वाला कंसोल लॉग हटा देता हूँ, जैसे ही मैं OBJ1 को प्रिंट करूँगा, आप लोग देखना यहाँ पर 031528 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो 0, 1 और 2 इसकी जो है कीज़ हो गई और ये वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है की वैल्यू पेयर्स बन जाते हैं। ये देखो यहाँ पर 1711 के साथ किया गया, तो 0, 1 और 1, 7, 2, 11 कुछ इस तरह से हो गया। सिमिलरली हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन सम है जो कि 3 वैल्यूज़ लेता है, V1, V2 और V3, और ये रिटर्न करता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो ये रिटर्न कर रहा है, V2 plus V3, मान लो ये रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ इसको। मैं कह सकता हूँ कि भाई सम और ARRR1, ठीक है, और मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 5 और 3 8, 8 और 8 16। तो क्या मुझे 16 मिलेगा यहाँ पर कंसोल में देखने को? मैंने क्या गलती करी, नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी, सेव होने में टाइम लगता है। तो देखो 16 यहाँ पर जो है प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं, उसको मैं एक फंक्शन को पास करना चाहता हूँ, ठीक है। एक एरे के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, मेरा फंक्शन भी 3 वैल्यूज़ लेता है, और मैं अपने फंक्शन को वो 3 वैल्यूज़ पास करना चाहता हूँ, तो इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होगी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स MDN डॉक्स पर हैं, ठीक है।
स्प्रेड सिंटैक्स एम डी एन एम डी एन एम डी एन ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्प्रेड सिंटैक्स अलाउज एन इटरेबल सच एज एन एरे। यहाँ पर देखो एक्स वाई जी, इन्होंने भी सम का एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही लिया जैसे मैंने लिया है। अब आप यहाँ पर देखो कि इसका जो सिंटैक्स है वो इन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया है, इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन को इन्यूमरेट किया है, एक एक फीचर बताया, बट जो मैंने आपको बताया है इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर डीस्ट्रक्चरिंग आई होप आप लोग को आ गया। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे जैसे जैसे आप लोग काम करोगे तो आपको ये चीज़ और आसान लगने लगेगी, बट दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सेट। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको जो रिएक्ट में काफ़ी आप लोग यूज़ करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे टू, ठीक है, लेट ओबीजे टू इज इक्वल टू मान लो नेम है हैरी और मान लो कंपनी है कंपनी एक्स वाई जी, एड्रेस है एक्स वाई जी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ ओबीजे टू को, ठीक है, मैं करना चाहता हूँ प्रिंट ओबीजे टू को पूरा, बट नेम को मैं अब जॉन करना चाहता हूँ, यानी कि इस ओबीजे टू में मैं सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ, बस नेम को जॉन करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो इसका मैं आउटपुट आप लोग को दिखाऊंगा, तो देखो नेम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ जो है इस ऑब्जेक्ट से आ जाएगा। तो रिएक्ट जब आप लोग यूज़ करोगे या मे बी नेक्स्ट जीएस आप लोग यूज़ करोगे तो आप चाहोगे कि एक ऑब्जेक्ट में से कुछ गिवन कीज चेंज हो जाए और बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहे। आप देखो नेम एड्रेस कंपनी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताना चाहता हूँ और वो ये है कि ये सिंटैक्स कैसे काम करता है ये समझना आप लोग। तो ओबीजे टू में से इसने सब कुछ ले लिया, नेम ले लिया, कंपनी ले लिया, एड्रेस ले लिया, अब इसके बाद ये क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देगा, यानी कि नेम जॉन लिखा हुआ है तो नेम हैरी चला जाएगा, नेम जॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब अगर मान लो मैं कंपनी भी चेंज करना चाहता हूँ, कंपनी भी चेंज करना चाहता हूँ, एबीसी करना चाहता हूँ, ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो मेरी कंपनी थी एक्स वाई जी थी, नेम जॉन हो गया था, बट अगर अभी मैं रिलोड करूँ तो कंपनी एबीसी हो गई। देखो नेम जॉन हो गया, कंपनी एबीसी हो गई, एड्रेस एक्स वाई जी हो गया। ठीक है, अब अगर इसी सिंटैक्स को मैं, बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं चल रहा है, अब अगर मान लो मैं ये ट्रिपल डॉट ओबीजे टू, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम कान खड़े करके, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर ओबीजे टू में बाद में लिख दूँ तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट में पहले नेम जॉन आ गया, कंपनी एबीसी आ गई, फिर इसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट खुल जाएगा, यानी कि इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, जैसे कि नेम हैरी, कंपनी एक्स वाई जी है, और ये दोनों वैल्यूज़ ओवरराइड हो जाएंगी। समझ रहे हो आप लोग, आप ओवरराइड बाद में करना चाहोगे, पहले नहीं करना चाहोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओबीजे टू बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे जैसे दिखता था पहले, नेम हैरी, कंपनी एक्स वाई जी, एड्रेस एक्स वाई जी, देख रहे हो सेम चीज़ प्रिंट हो गई। अब आप कहोगे ये वैल्यूज़ ओवरराइड क्यों नहीं हुई, यार ओवरराइड इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने ओबीजे टू के बाद में नहीं लिखी, इस केस में ओवरराइड होंगी, इस केस में ओवरराइड नहीं होंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दिस विल प्रिंट द ओबीजे टू ऑब्जेक्ट Without changing any values, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, values change हो जाएंगी। ठीक है, as simple as that guys, as simple as that, I hope कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको destructuring and spread syntax दे देता हूँ नाम, ताकि यार ये थोड़ी सी खूबसूरती पकड़ ले, और MDN के ये जो links हैं दोनों, ये भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग यार इसको रीड कर पाओ, क्योंकि यार देखो इसको रीड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डीस्ट्रक्चरिंग का हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर का हो गया, दोनों डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि यार आपका टाइम बचे, गूगल सर्च भी ना करना पड़े आपको। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको ऐसे करके राइट क्लिक करके गो टू कर देना है, ठीक है, कॉपी करके या फिर पेस्ट कर लेना अपने URL में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आई ये सारी चीज़ें। जावास्क्रिप्ट का कोर्स यार अगर अभी तक एक्सेस किसी ने भी नहीं किया है तो इसको कर लेना, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया अपडेट कर दिया है YouTube ने UI। एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले वीडियो पर जाएं और वहाँ पर अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट कर दें कि यार इस कोर्स से रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है, क्या आप किसी को चाहेंगे कि वो ये करे कोर्स, ठीक है, आप क्या ये चीज़ जो है इस कोर्स को आप रेकमेंड करेंगे एक बिगिनर को, ये चीज़ आप जो है बताएं उसमें, और रिव्यू करके डाल देना, फर्स्ट वीडियो में डालना प्लीज़, इस वीडियो में नहीं, फर्स्ट वीडियो में आप जाकर प्लीज़ डालें रिव्यू, मुझे काफ़ी खुशी होगी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।